नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और आज हम पहुंचे हैं गांव मुझे सर। और आपको बता दें आज यहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रविंदर फौजदार पहुंचे हैं और एक एक घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। और देख सकते हैं लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है रविंदर फौजदार को, सैकड़ों की तादाद में लोग इनके साथ जुटे हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक जोरदार कैंपेन जिसमें रविंदर फौजदार पूरे गांव में एक एक दरवाजे पर जाकर लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुन रहे हैं कि क्या क्या परेशानियां हैं, कितने समय से कौन कौन सी समस्याएं रही हैं। और कह रहे हैं कि जब यहां से जीत कर वो विधायक बनेंगे तो इन सारी समस्याओं का समाधान करा देंगे और जितनी भी जो भी समस्याएं हैं उन सबको ख़त्म कर देंगे। नाली पानी और सीवर की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उन सबको खत्म कर देंगे। और देखते हैं, आइए बात करेंगे रविंद्र फौजदार से कि क्या कहते हैं। देखिए, लोगों का समर्थन तो पूरा मिल रहा है, पर जो मैं हालात देख रहा हूं ना, पहले हमारे मुझे सर के लोगों ने या तमाम बल्लभगढ़ की जनता ने दो बार कांग्रेस को बना लिया और दो बार बीजेपी को बना लिया। आज मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, मुझे सारी गलियाँ सीवर से लबालब मिल रही हैं, कूड़ा फैला पड़ा है। मुझे ये समझ नहीं आता 10 साल के अंदर इन लोगों ने क्या किया है। अगर ये जरा सा भी 10 पैसे का भी काम करते, जितना हजारों करोड़ रुपए खर्च करने की बात ही कर रहे हैं, तो ऐसी हालात यहाँ नहीं होते। आप एक बार चाहूँगा कि अपने कैमरों के इधर घुमाएं, जनता के निकलने का रास्ता इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। स्थितियाँ बेहद गंभीर हैं और इस बार जनता मूड बना के बैठी है, ये कांग्रेस बीजेपी वाले धोखेबाजों को यहाँ से जूत मार के भगाएगी और अपने हरियाणा के अंदर बल्लभगढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी को वोट देने का मन लोगों का है। मुझे सर में लगातार देखा जा रहा है कि पीने के लिए जो पानी है उसके लिए बोतलें जो हैं लोग बाग भरवा कर अपने घरों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे बड़े भाई हैं विजय गोदारा जी, पार्टी में हमसे पुराने हैं, हमारे को टिकट दिलाने वाले लोग ही हैं। इन लोगों को असलियत पूछिए आप मुझे सर की, सबसे सच्चाई तो ये बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय गोदारा है जी, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ और हमारी जो सच्चाई है, हमारे गाँव की जो 10 साल कांग्रेस रैली, 10 साल बीजेपी रैली, रिश्तेदार वगैरह आते हैं, फाटक पारी इतना घुटने से भी ऊपर पानी भरा रहता है, गांव के लोगों को गाली देते हैं, ना उनकी आज तक वहां से पानी निकला ना कोई बात है। और ये गांव की दुर्दशा आप देख रहे हो, ये गली देखो, नाली देखो, समुदाय भवन देखो जिसमें गाय बैठी है, टट्टी कर रहे हैं लोग, तो यहाँ पे कोई 20 साल में काम नहीं हुआ है।